दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप सब लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। और आज का वीडियो मतलब मेरे को ये वीडियो बनाने का आइडिया आया मेरे एक फ्रेंड से, क्योंकि आज एक फ्रेंड से मेरा बात हो रहा था। तो उसने मेरे से बात करते करते उसने बोला कि यार कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कि खर्चा चलाना मुश्किल होता है, तो समझ में नहीं आता कि सैलरी कम है कैसे मैं अपने खर्चे चलाऊं। तो मैंने उसको सजेशन करा कि मैंने उसे बोला कि अच्छा ठीक है, इतनी प्रॉब्लम है तो तू क्रेडिट कार्ड ले ले, क्रेडिट कार्ड से तेरे आधे खर्चे उठ जाएंगे, अपनी ग्रोसरी तो ऑनलाइन खरीद, सारी चीज तो अपने ऑनलाइन खरीद सकता है। तो उसने मुझसे कहा कि यार क्रेडिट कार्ड से मुझे माफ कर, क्रेडिट कार्ड मेरे को नहीं चाहिए, क्रेडिट कार्ड मतलब आफत की पुड़िया। मतलब कि उसने मेरे को बोला कि क्रेडिट कार्ड मतलब आफत की पुड़िया। मुझे इतनी हंसी आई कि आप पूछ भी सकते, क्योंकि यार मेरे पास आज की डेट में ना इतने सारे कार्ड्स हैं, आप देखो कितने कार्ड हैं, है ना, और ये सारे के सारे क्रेडिट कार्ड हैं, और जो सारे कार्ड मैं यूज भी करता हूं। तो मतलब मैंने मेरा खुद का 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया। और मैं जब किसी को सजेस्ट करता हूं कि यार तू कार्ड ले ले, तो हर कोई कहता है कि यार क्रेडिट कार्ड मतलब आफत की पुड़िया है यार, मतलब कि बर्बाद हो जाएंगे कार्ड लेना। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप बर्बाद नहीं हो रहे हो, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर, ठीक है। तो यहीं से मेरे को सजेशन आया कि यार बहुत सारे लोग होंगे इंडिया में या बाहर के, उनको लगता होगा कि यार क्रेडिट कार्ड का मतलब है कि आफत, मतलब कि आपने एक बार ले लिया तो समझो आप मुसीबत में पड़ गए, बिल कहां से चुकाएंगे, ना जो तमाम ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो यार मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों मेरे को क्रेडिट कार्ड यूज करते हुए 5 साल हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 साल हो चुके हैं मेरे को क्रेडिट कार्ड यूज करते हुए। और आज मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर मैं वीडियो लेकर के आऊं। तो फाइनली आज मैं आपको अपना 5 साल का एक्सपीरियंस बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड के फायदे हैं या नुकसान है, ठीक है, और मेरे पास कितने कार्ड्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि यार वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आपको नॉलेज भी मिलेगा। और आपकी ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं अपने बता रहा हूं कि यार कार्ड मतलब इसके ना सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, ठीक है, अगर आप मेरे हिसाब से सोचोगे तो, क्योंकि कार्ड के फायदे ही फायदे हैं और नुकसान भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके फायदे फायदे हैं, नुकसान भी है, लेकिन ये चीज डिपेंड करता है कि आप इसको यूज कैसे करते हो, ठीक है, क्योंकि इसका फायदा नुकसान डिपेंड करता है इसके यूज के ऊपर, ठीक है। तो आज पूरा मैं अपना 5 साल का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो यार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है, ठीक है। तो देखो बेसिकली क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि एक तरह का आप ये समझो कि कोई भी अगर किसी भी बैंक का आप कार्ड ले रहे हो तो वो एक तरह का आपको लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप समझो इसको डिटेल में कि किसी भी बैंक का आप कार्ड लेते हो तो वो क्या करता है कि आपको एक लोन प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली वो कैसे करता है, आपके सिविल स्कोर के ऊपर, आपका जो क्रेडिट स्कोर है उसके ऊपर, ठीक है। तो अगर आपको अपना सिविल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर जानना है तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर के अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हो, ठीक है, ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कार्ड के लिए। तो क्या होता है कि देखो आपको एक तरह का लोन मिलता है, आप उस लोन से अपना जो भी आपका खर्चा है आप उसको चलाइए, ठीक है, और एक सडन उसका डेट होता है, उस डेट को आपको क्या करना है, उस कार्ड का बिल पेमेंट कर देना है, ठीक है। अगर आप टाइम पे बिल पेमेंट करते हो किसी भी कार्ड का, कोई भी बैंक का, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना, 1 रुपया या 1 पैसा भी आपका एक्स्ट्रा नहीं लगता है अगर आप टाइमली बिल पेमेंट करते हो तो, ठीक है। तो ये हो तो गया कार्ड। अब देखो मेरे पास इतने सारे कार्ड्स हैं, ठीक है, इतने सारे कार्ड्स हैं, ठीक है। अब देखो इनमें क्या है ना, इतने सारे कार्ड्स में ना सिर्फ एक कार्ड ऐसा है जिसका मैं एनुअल फी देता हूं, बाकी ये सारे कार्ड्स मेरे पास जितने भी हैं सारे कार्ड लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, ठीक है दोस्तों। तो लाइफ टाइम फ्री कार्ड में आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं देना होता है, कोई भी एनुअल फी नहीं लगता, कोई भी ज्वाइनिंग फी नहीं लगता, ठीक है, बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री होता है। तो मेरे पास इतने सारे कार्ड्स हैं, इन कार्ड में सिर्फ एक कार्ड है, वो है SBI का, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड है, उसका मैं चार्ज देता हूं 599 रुपए प्लस में GST, ठीक है। अब आप कार्ड को यूज करो या मत करो, आपको इसका एनुअल फी तो देना देना है, ठीक है। तो इस कार्ड का मैं एनुअल चार्ज देता हूं, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपके लिए क्रेडिट कार्ड कब फायदा साबित होता है, मतलब कि क्रेडिट कार्ड को हम कब कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा कार्ड है। तो देखो क्रेडिट कार्ड आपके लिए तब अच्छा होता है जब आप इसको अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। सपोज अगर मान के चलो आप 25,000 कमाते हो, एक एग्जांपल के समझो कि अगर आपकी सैलरी 25,000 है तो आप ना 25,000 से कभी भी ज्यादा शॉपिंग करो ही मत, चाहे आपके पास 1 लाख का लिमिट का कार्ड हो। अगर आपके पास 1 लाख की लिमिट का कार्ड होता है तो आप 1 लाख मत समझो, लिमिट के ऊपर कभी नहीं जाना कि यार मेरे पास 1 लाख का कार्ड है तो मैं 1 लाख की शॉपिंग कर लूं, कभी नहीं मत करना, क्योंकि आप कमाते 25,000 हो तो आप कहां से भरोगे,
ठीक है। तो कभी भी क्रेडिट लिमिट के ऊपर नहीं भागना है, हमेशा आप ये सोच के चलो कि मेरे पास 25,000 की सैलरी है तो मैं 25,000 ही यूज करूंगा, ज्यादा मैं यूज ही नहीं करूंगा, ठीक है, तब आपके लिए फायदा साबित होगा। ठीक है, अगर आपने 1,00,000 रुपए यूज कर लिए तो भैया 25,000 कमाओगे तो 1,00,000 कहां से भरोगे, तब आप मुसीबत में पड़ जाओगे। ठीक है, तो कभी भी अपने माइंड पे ये मत डालो कि मेरे पास 1,00,000 का लिमिट का कार्ड है, मैं 1,00,000 की शॉपिंग कर सकता हूं। हाँ कर सकते हो, लेकिन भैया बिल कहां से भरोगे। ठीक है, तो कभी भी क्रेडिट लिमिट के ऊपर आपको नहीं भागना है। दूसरा चीज क्या है क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा नुकसान, कभी भी आपको क्या करना है, क्रेडिट कार्ड से एटीएम से कैश विड्रॉल नहीं करना है। दोस्तों जब भी आपने कैश विड्रॉल करोगे तो 20 से 25%, 30% का आप पे जीएसटी और चार्जेस वगैरह लग जाते हैं। ठीक है, तो ये काफी महंगा पड़ता है। ठीक है, तो कभी भी आपको अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। अगर आप कैश विड्रॉल करोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा नुकसान इसका ये होता है कि सपोज अगर मैं इस कार्ड की बात करूं, ये IDFC बैंक का कार्ड है, ठीक है, अभी ये कुछ दिन पहले ही मेरे पास डिलीवर हुआ है, तो इन कार्ड पे ना एक आपको ये वाईफाई का सिंबल मिलता है, अगर आप देख रहे हैं तो इस वाईफाई का सिंबल मिलता है, इसको हमको बोलते हैं NFC कार्ड। मतलब कि अगर मेरा ये कार्ड कहीं गिर जाता है, ठीक है, तो कोई भी कहीं भी इसको स्वाइप करके 2,000 की शॉपिंग कर लेगा या फिर अकॉर्डिंग टू 5,000 की शॉपिंग कर लेगा, जितना भी आपका लिमिट इसमें फिक्स होता है। ठीक है, आपको सिर्फ टच करना है, कोई भी मतलब कि पिन नहीं डालना, CVV नहीं डालना, OTP नहीं डालना, 2,000 की शॉपिंग हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो आपका जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वाला होता है, इसको ना आपको बंद करके रखना होता है। एक ऑप्शन होता है क्रेडिट कार्ड के हर एप्लीकेशन में कि आप ना स्वाइप टच वाला जो फीचर है इसको आपको बंद करके रखना होता है। ठीक है, अगर आपने गलती से उसको ऑन किया हुआ है, कहीं भी आपका वॉलेट घूमता है, आपका कार्ड घूमता है, तो कोई भी एक स्वाइप किया और आपका 2,000 की शॉपिंग कर लेता है। ठीक है, तो ये तीन जो है ना बहुत ही बड़े नुकसान है क्रेडिट कार्ड के। ठीक है, अगर आप ये तीनों नहीं करोगे तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए फायदा ही फायदा है। अब आप समझो कि क्रेडिट कार्ड आपको कैसे फायदा देता है। सपोज अगर मैं बात करूं SBI के कार्ड की बात कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे अभी आज की डेट में एक ऑफर चल रहा है बिग सेविंग डेज का, वहां पे आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, यानी कि आप कुछ भी परचेज करो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों देखो, आप सपोज 15,000 का मोबाइल खरीदते हो, 1,500 रुपए का डिस्काउंट क्रेडिट कार्ड पे, हो गई ना अच्छी बात यार, 15,000 का मोबाइल आपको सिर्फ 13,500 में पड़ा। तो इसका एक फायदा यह है कि आपको इस पर डिस्काउंट जो है ना वो बहुत ही हाई डिस्काउंट मिलता है। कहीं भी आप यूज करो, पेट्रोल फ्यूल करवाओगे, फिल करवाओगे अपनी गाड़ी में, कुछ आपको कैशबैक मिल जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग अगर आप देखोगे तो हर जगह आपको ऑनलाइन शॉपिंग पे आपको कैशबैक मिलता है, 10% का, 15% का, हर जगह, चाहे आप फ्लिपकार्ट से करो, अमेजोन से करो, मिंत्रा से करो, AJIO से करो, कहीं से भी करो, ठीक है, आपको हाई डिस्काउंट मिलता है क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने पे। इसके अलावा अगर हम बात करके क्या फायदे हैं, तो जब भी आप बिल पेमेंट करते हो, कुछ कार्ड ऐसे भी हैं आज के टाइम में कि बिल पेमेंट, आपने सपोज 1,00,000 का खर्च किया, बात करूंगा मैं यहाँ पे ये कार्ड यूनी कार्ड का, ठीक है, ये यूनी कार्ड है। सपोज अगर आपके पास ये कार्ड है, अगर आप यहाँ से 1,00,000 रुपए खर्च करते हो और 1,00,000 की जब आप बिल पेमेंट करते हो तो आपका 1,000 रुपए कैशबैक हो जाता है। ठीक है, मतलब आपने खर्च किया था 1,00,000 रुपए और आपको 1,000 रुपए कम भरना पड़ रहा है, मतलब कि आप यहाँ पे देखो खर्चे तो कर रहे हो लेकिन अर्निंग भी कर रहे हो। तो क्रेडिट कार्ड से क्या होता है कि आप पैसा कमाते भी हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कार्ड है, अगर मैं बात करूं वही स्लाइस कार्ड की, अगर मैं बात करूं तो स्लाइस कार्ड भी क्या है कि इससे भी आप पैसे कमाते हो। ठीक है, अगर आप ये कार्ड किसी को रेफर करते हो तो पर रेफर आपको 300 रुपए मिलते हैं। ठीक है, सामने वाले को भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा, दोनों को 300 रुपए मिलेंगे। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और हर कार्ड पे आपको कैशबैक भी मिलता है। अब बात करेंगे नॉर्मल किसी भी कार्ड की, सपोज अगर मेरे पास HDFC बैंक का कार्ड है, ठीक है, तो HDFC बैंक पे भी अभी कुछ दिन पहले ऑफर आया था, मतलब हर कार्ड पे ऑफर आते रहते हैं। अभी मैं बात करूं ये IDFC बैंक का, तो IDFC बैंक अभी क्या, एक फ्रेंड का कमेंट आया था मेरे पास, बोला कि यार तेरे पास IDFC बैंक का कार्ड है, मेरे को 2,500 का डिस्काउंट हो रहा है। मैंने बोला कि नहीं मेरे पास तो नहीं है, तो उसने बोला कि यार मेरे को चाहिए था यार, अर्जेंट था, 2,500 का डिस्काउंट हो जाए। तो मैंने क्या किया, तुरंत आधे घंटे के अंदर ये कार्ड बना लिया, ठीक है, ओनली 30 मिनट्स के अंदर ये कार्ड मैंने बना लिया और बंदे का फोन ऑर्डर कर दिया, 2,500 का उसका डिस्काउंट भी मिल गया। अब उसको 2,500 का डिस्काउंट मिल गया तो उसने क्या किया, बोला यार तू ना ये 200 रुपये तू रख ले। ठीक है, तो मतलब 200 रुपए की मेरी कमाई भी हो गई। अब देखो मेरे पास इतने सारे कार्ड्स है ना, तो इन सारे कार्ड से मैं अर्निंग करता हूँ। ठीक है, और ये मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस कहता है कि आप जितना भी खर्च करते हो ना, अगर आप 10 रुपए भी कार्ड से खर्च करते हो ना, तो आप 9 रुपए ही पे करते हो बैंक को। ठीक है,
अगर आप 1,000 रुपये भी कर रहे हो तो सिर्फ आप 900 रुपये ही बिल पेमेंट कर रहे हो। मतलब बहुत सारे हैं, क्रेड एप्लीकेशन है एग्जाम्पल के लिए। क्रेड एप्लीकेशन क्या करता है, जब भी आप बिल पेमेंट करते हो तो हर बिल पेमेंट के साथ साथ वो 10 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये का क्या करता है, कैशबैक आपको देता है। ठीक है, कभी कभी ज्यादा भी निकलता है। अगर आप क्रेड ऐप किसी को रेफर करते हो 750 रुपये आपको ऐसे ही मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्रेड एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना है तो उसका लिंक भी मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप वहां से उस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि आप उस एप्लीकेशन का यूज करके जब भी आप बिल पेमेंट करोगे ना तो हर वक्त आपको कैशबैक मिलेगा। ठीक है, तो मैं भी क्रेड एप्लीकेशन से ही अपना बिल पेमेंट करता हूँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि मेरे पास कौन कौन से कार्ड हैं। तो सबसे पहला जो कार्ड था मेरी लाइफ का वो था आईसीआईसीआई बैंक का कोरल कार्ड। ये कार्ड मैंने बनाया था क्योंकि मेरा आईसीआईसीआई बैंक में सैलरी अकाउंट है, तो उसमें मेरा कोरल कार्ड मेरा बना था सबसे पहला। देन इसके बाद जो मैंने बनाया था वो था मेरा कौन सा कार्ड था, सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से मैं जो कार्ड को हाइड करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने बनाया था अमेजोन पे का आईसीआईसीआई बैंक का कार्ड। ठीक है, अब इस कार्ड के क्या फायदे ये भी समझ लो। इस कार्ड से मैं लाइफ टाइम तक कभी भी अगर शॉपिंग करूंगा अमेजोन से तो मुझे हर वक्त 5% कैशबैक मिलता है, क्योंकि मैं अमेजोन का प्राइम मेंबर हूँ। नॉन प्राइम मेंबर को 3% कैशबैक मिलता है हमेशा, लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, अमेजोन से कुछ भी यूज करता हूँ तो डिस्काउंट मिलता है मेरे को इस कार्ड पर, लाइफ टाइम तक मिलेगा, क्योंकि ये अमेजोन और आईसीआईसीआई के कोलाब्रेशन से बना हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोग भी इस कार्ड को बनाना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप लोग इस कार्ड को बना सकते हैं क्योंकि ये अमेजोन का कार्ड है। इसके बाद जो मैंने कार्ड बनाया था वो था मेरा एसबीआई का कार्ड। यहाँ पे देखिए, मैं इस कार्ड को भी सिक्योरिटी रीजन से, वैसे क्योंकि यहाँ पे नंबर्स हैं, तो ये एसबीआई का कार्ड मेरा बना था। ये कार्ड मेरा क्या है, चार्जेबल कार्ड है, इसकी एनुअल फी है 599 रुपये प्लस में जीएसटी। तो एसबीआई कार्ड का ऑफर चलता रहता है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, दोनों पे। इससे भी मैं काफी अच्छा मतलब कि पैसा अर्न कर लेता हूँ, क्योंकि डिस्काउंट, जब भी मेरे को कुछ शॉपिंग करना होता है ना और जब ऑफर चलते हैं तो मैं इस कार्ड का यूज करता हूँ। तो अभी मैंने एसबीआई के कार्ड से शॉपिंग करा है और अभी मेरा 2,000 का डिस्काउंट भी हो गया। मैंने एक स्मार्टफोन ऑर्डर करा है तो वहां पे मेरा 2,000 का डिस्काउंट भी हो गया है। तो अगर आप लोग एसबीआई के कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो मेरा कार्ड था लाइफ का वो कार्ड था मेरे पास एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में मेरा अकाउंट है, तो यहाँ से मेरे को कॉल आया, बोला कि सर आपको दिवाली के टाइम पे ऑफर चल रहा है, अभी लास्ट दिवाली मिला है मेरे को, तो बोला कि आपको हम लाइफ टाइम फ्री कार्ड दे रहे हैं। ये लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, कार्ड का नाम है एचडीएफसी का फ्रीडम कार्ड। ठीक है, तो इस कार्ड के भी काफी अच्छे फीचर्स हैं, ऑफर चलते रहते हैं। एचडीएफसी पे भी ऑफर था तो मैंने इस पे 2,000 का डिस्काउंट लिया था, एक बंदे को फोन की जरूरत थी तो उसका भी मैंने ऑर्डर करवा दिया था। तो इस कार्ड के लिए भी अप्लाई करने का लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके भी अच्छे खासे ऑफर चलते रहते हैं। उसके बाद जो मेरे पास कार्ड आया था वो था वन कार्ड। ठीक है, ये कार्ड है वन कार्ड। ठीक है, और साउथ इंडियन बैंक की तरफ से जारी है। इस कार्ड में क्या फीचर है कि भैया ये जो कार्ड है ना मेटल का कार्ड है पहली बात। ठीक है, एल्युमिनियम का बना हुआ ये कार्ड है। ठीक है, इसका वेट भी नॉर्मल कार्ड से ज्यादा है। ठीक है, तो ये मेटल का कार्ड है और इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो इससे भी जब आप शॉपिंग करते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है अच्छा खासा, और अगर आप किसी को रेफर करते हो तो 2,000 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं आपको। ठीक है, अगर आप अपने किसी फ्रेंड को बनाते हो, रेफर करते हो, तो आपको 2,000 का रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलता है। ठीक है, तो इस कार्ड का लिंक भी मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग इस कार्ड के लिए भी अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। ये कार्ड भी आपका लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, वन कार्ड साउथ इंडियन बैंक की तरफ से जारी किया जाता है। देन इसके बाद जो मेरा कार्ड था वो मेरा कार्ड था उसके बाद हाँ, इसके बाद मैंने बनाया था स्लाइस सुपर कार्ड। ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। अभी क्या है कि आज की डेट में अभी इस पे ऑफर है, इनका अमेजोन और फ्लिपकार्ट के साथ कोलाब्रेशन हुआ है। अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कुछ भी ऑर्डर करते हो ना तो भैया 100 रुपीज का डिस्काउंट तो है ही है, चाहे आप 200 का करो, 500 करो, हर ऑर्डर पे मिनिमम, अगर आपका 500 का ऑर्डर है, सपोज सॉरी, मिनिमम अगर आप 500 का ऑर्डर करते हो तो हर ऑर्डर पे आपको 100 रुपीज का डिस्काउंट देता है ये, फ्लिपकार्ट पे भी और अमेजोन पे भी। और ये कार्ड अगर आप किसी को रेफर करते हो तो तुरंत आपको 300 रुपए मिलते हैं, सामने वाले को मिलेगा आपको भी मिलेगा। ठीक है, तो ये कार्ड भी पूरी तरीके से लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, तो इसका लिंक भी मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री कार्ड है। ठीक है, और इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, तो इसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी मैंने बना रखा है, वो भी आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। इसके बाद जो कार्ड था वो था मेरा आईडीएफसी बैंक का, जो मैंने बताया अभी आपको कुछ दिन पहले मैंने बनाया था, और इससे मैंने एक फोन भी ऑर्डर करा था फ्लिपकार्ट से, उस पर मेरा 2,000 का डिस्काउंट हो गया था, सॉरी 2,500 का डिस्काउंट किया था। तो अभी तक मैंने इसको एक ही बार यूज किया है और इसके भी काफी अच्छे फायदे हैं, तो इस कार्ड के भी ऑफर आते रहते हैं। ठीक है, और आईडीएफसी बैंक आपको लोन भी प्रोवाइड करता है अगर आपके पास ये कार्ड मिल जाता है, मतलब 1 लाख 2 लाख का लोन भी आपको इजिली ये कार्ड दे देता है, तो ये आईडीएफसी बैंक का मिलीनिया कार्ड है।
देन इसके बाद अभी हाल में 2-3 दिन पहले ही ये कार्ड मेरे को रिसीव हुआ है, यूनिक कार्ड। इसके बहुत ही अच्छे फायदे हैं। इस कार्ड का नाम ही है यूनिक कार्ड और ये सबसे यूनिक है, क्योंकि दोस्तों ये कार्ड के फायदा ये है कि आप कुछ भी अगर शॉपिंग करते हो, सपोज अगर इस कार्ड की लिमिट 50,000 है और मैंने 50,000 खर्च कर दिए, तो 3 महीने की ईएमआई में आप धीरे धीरे उसका पैसा रिटर्न कर दीजिए। आपको बिना किसी चार्ज के आप इसको पे कर सकते हैं, ठीक है। 50,000 यूज किए तो आप इसको आराम से 300 में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। आपको कोई भी चार्ज नहीं देना, एक्स्ट्रा कोई चार्ज आपको पे नहीं करना होता है। दूसरा सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो कार्ड है लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, ठीक है। इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और इसके साथ काफी चीजें मिलती हैं फ्री में भी, तो ये कार्ड सबसे बेस्ट कार्ड लगा है। मेरे सारे कार्ड में सबसे कोई बेस्ट कार्ड है तो वो यही कार्ड है, ठीक है। तो इसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट कार्ड है, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए भी आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। ये 2-3 दिन पहले ही अप्लाई अभी मिला है मेरे को। और एक कार्ड अगर बोलूँ तो एक कार्ड मेरा रास्ते में है, अभी वो आ रहा है, ठीक है। उस कार्ड के लिए आज ही अप्लाई किया है और वो जो कार्ड है वो लेजी पे का कार्ड है, ठीक है। लेजी पे का कार्ड है। उस कार्ड का फायदा ये है ना कि उसमें आपको हाई लिमिट मिलती है। मेरे को उसमें 50,000 की लिमिट मिली है और वो कार्ड अभी रस्ते में ही है। और उसमें क्या, फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे आपको ₹500 का कैशबैक भी मिल रहा है। तो जब वो कार्ड आ जाएगा तो मैं उसका भी अनबॉक्सिंग वीडियो आपको बना करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों वो कार्ड अभी रस्ते में ही है और उसके बदले में अभी मैंने उसका एक ट्रांजेक्शन कर लिया है और मेरे को ₹500 मिल भी गए हैं। तो कितनी अच्छी बात है ना, मतलब कार्ड का आप यूज भी करते हो और कार्ड से आप पैसे भी कमाते हो। तो मेरे हिसाब से जो कार्ड है वो कार्ड, सारे कार्ड जो भी कार्ड आप यूज करते हो वो कार्ड आपको प्रॉफिट ही देता है। आपको किसी कार्ड से कोई नुकसान नहीं होता है अगर आप उसका सही से यूज करते हैं। तो मैंने जितने भी टिप्स आपको बताए हैं अगर उस तरीके से आप इस कार्ड के यूज करेंगे तो कोई भी क्रेडिट कार्ड आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, कभी भी कोई कार्ड आपको नुकसान नहीं देगा। तो फाइनली मैंने इतने सारे कार्ड यूज किए पिछले 5 साल के अंदर, तो दोस्तों आज तक कभी भी मेरे साथ किसी प्रकार कोई फ्रॉड भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्रेडिट कार्ड बनवाए जरूर, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से आपको प्रॉफिट ही होता है, नुकसान कभी नहीं होता है अगर आप उसका सही से यूज करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों जितने भी कार्ड मैंने आपको बताए हैं अगर आप उनमें से किसी भी कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तो अभी के लिए गुड बाय, जय हिंद।